हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज सैटरडे है और अभी ईस्टर हॉलीडेज चल रहा है। अभी ईस्टर वीकेंड है तो सैटरडे संडे एंड मंडे छुट्टी है ऑफिस का एंड एक्सटेंडेड वीकेंड है। तो सैटरडे हम लोगों ने सोचा कि स्वांसी जाएंगे, बट सुबह इतना अच्छा मौसम था कि हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग रोशेली जाएंगे, विच इज़ इन दी गवार पेनिनसुला। रोशेली जो है वो साउथ वेल्स में लोकेटेड है और हम लोग भी साउथ वेल्स में ही रहते हैं। तो यहाँ से, दैट इज़ पोर्ट टैल्बोट से रोशेली का जो डिस्टेंस है, इट इज़ अराउंड 28 miles, अप्रॉक्सीमेटली 1 hour ड्राइव है। बट क्योंकि हमारे पास गाड़ी नहीं है, सो वी ऑलवेज प्रेफर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो पहले तो हम लोग बस लेके स्वांसी आए एंड स्वांसी से दूसरा बस लेके हम लोग रोशेली जा रहे हैं। पोर्ट टैल्बोट से कोई भी बस डायरेक्ट रोशेली नहीं जाती है, इसीलिए स्वांसी में हम लोगों को बस चेंज करना पड़ा। एंड यहाँ पे मैंने बहुत ही एक अमेजिंग चीज़ नोटिस किया कि जब भी कोई ओकेजन होता है, कोई हॉलीडे होता है, उस टाइम पे ये जो बस रूट है स्वांसी टू रोशेली, इसका फ्री टिकट आप लोगों को मिल जाता है। दैट इज़, आप बस में चढ़ोगे एंड कोई टिकट नहीं लगेगा, आप फ्री में स्वांसी टू रोशेली जा सकते हो। एंड नॉट ओनली दिस रूट, बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट अट्रैक्शन वाले प्लेसेस है जहाँ पे फ्री बस एक्सेस आप लोगों को मिल जाएगा यूके में। इट्स जस्ट दैट आप लोगों को थोड़ा सा ट्रैक रखना पड़ेगा कि कौन से दिन में बस एक्सेस फ्री रहता है, सो दैट यू कैन मेक योर प्लान्स अकॉर्डिंगली। ये तो हम लोगों को बाई चांस मिल गया था, वी डिड नॉट नो अबाउट दिस। सो ये मैप है वेल्स का, इंग्लैंड एकदम बगल में है एंड अभी हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं स्वांसी टू गवार पेनिनसुला। एंड रोशेली इज़ बेसिकली अ वेरी स्मॉल विलेज इन द गवार पेनिनसुला एंड इस विलेज का पॉपुलेशन इज़ अराउंड 250 ओनली। कैन यू इमेजिन कितने कम लोग यहाँ पे रहते हैं। नाउ कमिंग टू दी रूट, स्वांसी टू रोशेली जाने का जो रास्ता है, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस, वेरी एकदम फिल्ड विथ नेचुरल ब्यूटी है। आसपास के जो व्यूज़ है वो बहुत ही अच्छा है एंड रोड इज़ वेरी थिन येट वेरी ब्यूटिफुल। पोर्ट टैल्बोट टू स्वांसी तो 2 घंटा ही लगता है। हम लोगों ने स्टार्ट किया था 9:30 बजे एंड 10:20 को स्वांसी टू रोशेली का बस था जो कि कैंसिल हो गया था, तो हम लोगों को वेट करना पड़ा। नेक्स्ट बस था 11:20 को, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया, बट फाइनली वी रीच्ड। एंड आई एम अ पर्सन जिसको ना पहाड़ से ज़्यादा समुंदर पसंद है एंड यहाँ पे आके आई रियलाइज्ड इट इज़ अ क्लब ऑफ माउंटेन एंड बीच, विच इज़ जस्ट अमेजिंग। हाँ, मुझे पता है इंडिया में भी ऐसे जगह है, बट दिस प्लेस हैड अ डिफरेंट काइंड ऑफ ब्यूटी विच आई कैन नॉट एक्सप्लेन एंड आई नो कि कैमरा कैन नॉट जस्टिफाई वॉट वी हैव विटनेस्ड। बट इस क्लिफ के ऊपर वॉक करते करते समुंदर के बीच में जाना इज़ अ वेरी डिफरेंट फीलिंग। एंड ऊपर का जो ग्रीनरी है, आई हैव हर्ड कि स्प्रिंग के टाइम में ना यहाँ पे पूरे फ्लावर्स से भर जाएगा एंड आई कैन इमेजिन कि कितना खूबसूरत ये जगह होने वाला है। सो यहाँ से नीचे बीच तक भी हम लोग जा सकते थे, बट हम लोग नहीं गए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वॉक करना पड़ता उसके लिए एंड वी डिड नॉट वॉन्ट टू, बिकॉज अभी नीचे जाएंगे भी तो इतना ज़्यादा ठंड है कि वी कैन नॉट गो इन टू दी वाटर। बट आई एम श्योर द नेक्स्ट टाइम आई एल बी हियर ड्यूरिंग दी समर, मैं नीचे जाऊँगी एंड पानी तक भी जाना है मुझे। एंड पानी इतना ज़्यादा साफ है, दिखने से ही लग रहा था एंड दी कलर ऑफ दी वाटर, ओ माई गॉड, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। ऑल्सो मैं हमेशा से यही सुनती थी कि वेल्स इज़ नोन फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी, नाउ आई कैन से दैट आई हैव स्टार्टेड विटनेसिंग द सेम, बिकॉज इतने दिनों से विंटर के टाइम में कुछ अच्छा नहीं लगता है। इट इज़ अ वेरी ग्लूमी काइंड ऑफ वेदर ओवर हियर एंड नाउ दैट स्प्रिंग आने ही वाला है तो मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। कभी कभी बारिश तो होता ही है एंड ये होता रहेगा थ्रू आउट द ईयर, बट इट इज़ मोस्टली सनी थ्रू आउट द डे। एंड यहाँ पे आने के बाद ना आई हैव रियलाइज्ड कि एक जगह की असली खूबसूरती तभी आती है जब अच्छा धूप खिलता है। एंड लकीली यहाँ पे आने के बाद भी हम लोगों को
थोड़ा मोड़ा धूप मिला था, बट बीच बीच में तो बारिश आ रहा था, जैसे आप लोग अभी देख सकते हो हाउ क्लाउडी इट इज़, एंड उस एंड पॉइंट तक तो काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रहा था। सो या सिटीज़ तो बहुत देख लिया है, तो अभी आई एम मोर इंटरेस्टेड टू एक्सप्लोर द नेचुरल ब्यूटी ऑफ वेल्स, एंड स्प्रिंग आने ही वाला है, सो आई एम श्योर कि और भी बहुत कुछ मैं देखूँगी कमिंग वीकेंड्स में, and will definitely share that with you guys in my channel. So yeah, please do subscribe and enjoy.